Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi and I am really very sorry. मैं थोड़ा सा इधर गैप हो गया हम लोग के श्योर शॉर्ट सीरीज़ में, लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया मैं. ज़रूर से लेक्चर आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा और रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम तक. और ऐसा नहीं है कि लेक्चर मतलब बन नहीं सकता या जो भी चीज़ें हुई है. हुआ क्या, इधर आपके लिए ही मैं काम कर रहा था. अपने लिए बिज़ी नहीं था मैं, आपके लिए बिज़ी था. और बात से रिलेटेड ही आपको जल्द ही मैं कल ही एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ. और मतलब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ना. तो उसी सारी चीज़ों में लगा हुआ था मैं, आपके लिए ही काम कर रहा हूँ. और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस. तो जिस चीज़ का इंतज़ार था बार की तरफ से, वो नोटिफिकेशन, वो अपडेट आ चुका है. आपको क्या करना है, बहुत बच्चे परेशान थे, आपको गूगल पे बार्क ऑनलाइन एग्ज़ाम सर्च करना है या bark-online-exam.in आपको वेबसाइट ओपन करनी है. उसमें आपको साइंस स्ट्रीम ओपन करनी है अपने लाइफ साइंसेस के लिए. और आपको वहां पे मिल जाएगी अपडेट जो कि बार्क के तरफ से आ चुकी है हम लोगों के पास. कौन सी, हम लोग के पास जो डेट्स थी एग्ज़ाम की वो पहले से आ चुकी थी. और अब जो स्लॉट बुकिंग का टाइम है वो आ चुका है 6/9/2021 दोपहर 3 बजे से. 6/9/2021 यानी कि मंडे से दोपहर 3 बजे से स्लॉट बुकिंग ओपन होगी और 15 तारीख तक खुली रहेगी. ठीक है, 15/9/2021 तक आपको स्लॉट बुकिंग ओपन मिलेगी. लेकिन इसके साथ साथ अलॉटमेंट विल बी सर्व्ड ऑन दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. ठीक है, इस तरीके से है. तो जो पहले जाएगा, जो पहले स्लॉट बुकिंग ओपन करेगा, जो पहले स्लॉट बुक करेगा, जगह उसको मिल जाएगी. अब ऐसा नहीं है कि आपकी सीट रिजर्व नहीं है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप अगर लेट चले गए या आप भूल गए या नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी सीट चली जाएगी. ऐसा नहीं है. ऐसा होता है कि जैसे आप स्लॉट बुकिंग ओपन करेंगे कैंडिडेट लॉगिन में जाके, ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन करके आप जब सीट बुक अपनी करने के लिए जाएंगे, तो होगा क्या, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेंगी कई सारी चीज़ें. क्या वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपको कैसा देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि जो जैसे आपने लखनऊ डाला सेंटर, तो लखनऊ में आपको 3-4 सेंटर के नाम लिखे होंगे. उसमें से आपको कोई एक सेंटर सेलेक्ट करना होगा. अब आपने एक सेंटर सेलेक्ट कर लिया, उसमें से उस जगह पे आपको सीट मिल जाएगी. अब मान लीजिए आपसे पहले 100 लोग और थे जिन्होंने वही सेंटर सेलेक्ट कर लिया, तो आपको उस सेंटर की सीट नहीं मिलेगी, दूसरी जगह सीट मिल जाएगी. ठीक है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं हमको देर हो गई तो सीट ही नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है, आपने जिस सिटी को डाला है उस सिटी में आपको जिस भी सेंटर पे होगी वहाँ सीट मिल जाएगी. बस ये है कि आप अगर पहले करेंगे तो आपको वो सीट पहले मिल जाएगी या अपने मनपसंद सीट पहले मिल जाएगी जो आप चाहते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपकी सीट कहीं चली जाएगी. ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली. ठीक है, तो ये चीज़ है पहली चीज़. दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में परेशान थे कि क्या हम अपना सिटी चेंज कर सकते हैं, क्या डेट अलग अलग होंगी. तो ये टोटली डिपेंड करता है बार के ऊपर कि किस तरीके से वो देने वाले हैं हम लोगों को जो स्लॉट बुकिंग है वो, या जो स्लॉट्स हैं वो. तो सिटी चेंज करने का तो मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं था. आपको जिस सिटी आपने उस वक्त सेलेक्ट करी थी उसी सिटी के हिसाब से आपको अपने जो सेंटर हैं वो सेलेक्ट करने होंगे. ओके, तो और बिल्कुल आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप फॉलो करते रहिए. मैं ज़रूर से अब आगे से टाइम पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा लेक्चर्स आपके लिए. और जितनी भी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ प्लान कर रहा हूँ करने के लिए, वो ज़रूर से एग्जीक्यूट करूँगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्लॉट जितनी जल्दी हो सके बुक कर लीजिएगा. ठीक है, सो टेक केयर.